असला डियर स्टूडेंट्स कैसे आप सब उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे ओके वंस अगेन वेलकम टू शायद सरज एजुकेशन पॉइंट बेटा लेट अस सी फर्स्ट हमने कितने टॉपिक्स कवर किए हैं उसके बाद हम आपको बताएंगे आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ओके तो सबसे पहले वी आर वेरी मच क्लोज यू नो तो अभी लगभग एक हफ्ता लगेगा तो इसको कंप्लीट होने में उसके बाद मैं कंप्यूटर साइंस डेफिनेटली उठाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह लेकिन पहले लेट मी कंप्लीट साइंस पोर्शन ओके क्योंकि मेरे पास उतना ज्यादा वक्त नहीं होता है बहुत सारी क्लासेस होती है तो ये मैं मैनेज कर लेता हूं जस्ट बिकॉज़ फॉर यू पीपल बट इनस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू हैव टू डू जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट एज़ मच एज़ पॉसिबल ओके बेटा तो चलिए देखते हैं हमने अभी तक कितने टॉपिक्स को कवर किया है देखो आप आराम से देख सकते हो और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताएंगे कि सर वाकई हमने यह सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं पहला टॉपिक अगर हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी डन ओके ये सोर्स ऑफ एनर्जी हमने कंप्लीट किया है इसके बाद हमने न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन वाटर फूड मिनरल इन प्लांट्स हमने एनिमल्स में भी देखा ठीक है ना तो ये भी कंप्लीट हुआ एंड अनदर टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो जिसमें मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था बहुत कम रेस्पॉन्स मिला बहुत बहुत कम रेस्पॉन्स मिला कि आप लोगों को मैंने कहा था कि आप कॉमेंट करके ये बताओ कि हम लोग करेंगे कि कर नहीं करेंगे जस्ट आई रिसीव टू थ्री कॉमेंट्स और फाइव कॉमेंट्स यस सर वी डू इट I don't know why, huh? Okay, but uh, uh, no worries, huh?

ठीक है बेटा ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि अभी एक हफ्ता लगेगा मोर देन हफ्ता उसके बाद मैं MCQs एक दो लेक्चर्स लाऊंगा जिसमें मैं बहुत सारे डेट सारे एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ठीक है लेकिन आज का टॉपिक क्या होने वाला है एग्जैक्टली exactly, आज का टॉपिक एज पर द सीरीज हम आज टॉपिक उठाएंगे इको सिस्टम इको सिस्टम क्या है आज वो डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिंपल क्योंकि वहां पे आपको आ, वो ना खतरनाक वाले क्वेश्चन तो आने वाले बिल्कुल भी नहीं है आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तो आज हम इको देखेंगे इको क्या है इसके स्ट्रक्चरल टाइप देखेंगे ठीक है ना बेटा तो देखते हैं कितना सिंपल ही होगा आ, मैं मैं डिलीवरेटली टाइम ड्यूरेशन कम रखता हूं क्यों क्योंकि आप लोग फिर ना बोर हो जाते हो अगर मैं एक घंटे की क्लास लूंगा फोर्टी फाइव मिनट्स की क्लास लूंगा तो आप लोग बोर हो जाते हो इसलिए 15 15 मिनट्स की क्लास है तो आराम से हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इनशाला इनशाला जितना मैंने पढ़ाया जितना मैंने पढ़ाया और जितना हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज में भी तो उसी में से इनशा कल आपके सारे टेन आउट ऑफ टेन क्वेश्चन इनशाला इनशाला मिलेंगे उम्मीद करते हैं ठीक है तो चलिए भाई लेट लेटस गेट स्टार्टेड टूडेज लेक्चर सो वट इज टूडेज लेक्चर नाउ टूडेज लेक्चर इज वट इज एन इको सिस्टम जस्ट होल्ड ऑन सो माई डियर

सबसे पहली बात जो है इकोसिस्टम से पहले आपको एक ब्रांच ऑफ साइंस पढ़ना है दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी वेरी गुड इकोलॉजी व्हाट इज इकोलॉजी सिंपल टर्म्स में मैं ज्यादा भाषण नहीं यहां पे दूंगा सिंपल टर्मिनोलॉजी में हम आपको बताएंगे कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी का मतलब क्या है इकोलॉजी वो साइंस है वो साइंस है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं वो स्टडी रिलेशनशिप एग्जैक्टली रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट एंड द एन वाई मेंट सो नाइस ऑफ यू तो है ना सिंपल तो एक ऑर्गेनिज्म लेकिन यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है इट मे बी एन एनिमल इट मे बी ह्यूमन इट मे बी इंसेक्ट इट मे बी वॉट वी कॉल्ड एज इंसेक्ट एंड इट मे बी प्लांट्स इट मे बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइट माइडियर तो समझ आ रहा है बेटा तो ये जो इकोलॉजी है बेसिकली इट इज द साइंस इन विच वी स्टडी हाउ मैन इंट्रैक्ट विद हिज एनवायरनमेंट ये एक इंसान जो है ऑर्गेनिज्म जो है ये कैसे इंट्रैक्ट करता है अपने अपने एनवायरनमेंट के साथ समझ आ गए बेटा नाउ अब ये इकोसिस्टम क्या है इकोसिस्टम इज नथिंग बट इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी तो आई विल राइट द पॉइंट नाउ हियर वन वन पॉइंट आई विल राइट हियर इको सिस्टम क्या है सर इको सिस्टम इको सिस्टम इज दक्चुर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एंड इको सिस्टम तो सॉरी ऑफ एंड इकोलॉजी एम सॉरी ईकोलॉजी तो क्या याद रहा आपको तो पहले मैंने आपको इकोलॉजी पढ़ाया इकोलॉजी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम डिस्कस करते हैं स्टडी करते हैं हाउ ऑर्गेनिज्म माय पॉइंट सो बेसिकली ये जो इकोसिस्टम है ना इट इज चेन ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज अ चेन ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म हम ये भी लिख सकते हैं इट इज Ecosystem jo hai, It is chain of very good. Chain of interactions. Interactions. It is a chain of interactions between organisms and their environment. Okay. It is chain of interaction between organisms between shabash it is a chain of interaction between organisms and their environment and their environment okay beta just a second okay third point that's very important here ये जो इकोलॉजी है या इकोसिस्टम है ये जो टर्म है ये किसने दी है इंपॉर्टेंट है कैन बी आस्कड इन योर एग्जामिनेशन सो इट वॉज ए जी ये एक इंग्लिश बॉटनिस्ट था तो जिसने ये टर्म को दिया है तो हु इज द पर्सन हु गेव दिस टर्म तो यहां पे लिखेंगे द टर्म द टर्म इकोसिस्टम Was given by an English botanist AG Tansley AG uh, Tansley in nineteen hundred thirty five in nineteen hundred थर्टी फाइव इतना बेटा आपको याद रखना है समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूं तो आप लोगों ने क्या देखा अब सिंपली इकोसिस्टम इट इज इट इज द इंट्रैक्शन इट इज द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवाइ ओके सो इस इंट्रैक्शन जो यहां पे आपको चेन ऑफ इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा हम लोग जो है यू इंट्रैक्ट विद योर सराउंडिंग्स अभी हम आपको बताएंगे कंपोनेंट्स क्या क्या है इको सिस्टम के सिंस इट इज इट इज नॉट मेड अप ऑफ वन यूनिट इट इज मेड अप ऑफ मेनी यूनिट्स एंड मेनी यूनिट दे इंट्रैक्ट विद ईच अदर एंड दैट इज वाई इकोसिस्टम की वजह से एनवायरमेंट में स्टेबिलिटी आती है ये आगे हम आपको कैसा डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम समझ समझ आगे बेटा तो नंबर नेक्स्ट आई होप बेटा ये तीन पॉइंट्स काफी है इनको याद रखेंगे इसी में से क्वेश्चन आएंगे इकोसिस्टम का मतलब क्या है इकोलॉजी का मतलब क्या है किसने ये टर्म दी है कब दी है इसमें तो क्वेश्चन बनता है तो आएगा तो आते हैं तो आ रहे हैं डिफाइड है तो ये आप याद रखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द इको सिस्टम यस स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम सिस्टम देखो बेटा डायग्रामेटिकली हम आपको समझाएंगे कि सो फार एज स्ट्रक्चर ऑफ दिस इको सिस्टम इसका देखो मुझे ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ इको सिस्टम की बात करूंगा तो या आप ऐसे कह सकते हो वट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम हिस्से किसके इको सिस्टम के जनरली अगर हम बात करेंगे ब्रॉडली स्पीकिंग देर आर मेनली टू कंपोनेंट ऑफ इको सिस्टम वन कंपोनेंट इज द बायोटिक कंपोनेंट यानी लिविंग कंपोनेंट जिसमें आपके ऑर्गेनिज्म आएंगे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर मैक्रो ऑर्गेनिज्म तक यानी इसमें आपको इंसेक्ट्स आएंगे स्मॉल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे प्लांट्स आएंगे एनिमल्स आएंगे ह्यूमन आएंगे हा? तो दीज विल कॉन्स्टिट्यूट वट बायोटिक कंपोनेंट तो यहां पर मैं लिखूंगा सबसे पहला कंपोनेंट जो है दैट इज सर बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट ये एक स्ट्रक्चर है बायोटिक कंपोनेंट ओके बेटा वेरी गुड तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या है इट इज आल्सो कॉल्ड एज लिविंग कंपोनेंट सो नाइस ऑफ यू लिविंग कंपोनेंट ये बिल्कुल इजी है बच्चों वाला सवाल है अगर आपको ये भी समझ में नहीं आएगा तो यार फिर क्या समझ आएगा ओके एंड अनदर इज अनदर इज अबायोटिक अज विदाउट, बायोटिक मीनज लाइफ अबायोटिक फैक्टर बोलो या कंपोनेंट बोलो और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट आई होप बेटा आप एंजॉय कर रहे हो वेरी गुड तो क्या याद रखा बच्चों ने तो बच्चों आपको याद रखना है सो फॉर एस स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इज कंसर्ड सो आई है बॉयोटिक कंपोनेंट अनदर इज अबायोटिक कॉम्पोनेंट अब बेटा अगर मैं बायोटिक कंपोनेंट की बात करूंगा आई विल फर्दर डिवाइड इट इंटू थ्री ओके बेटा हाउ मेनी थ्री One component I will write here are producers. Exactly. Producers. Who are producers, sir? Producers are the plants. Producers are the plants. Exactly. And producers ko of dusri category consume karegi. That is consumers. Very nice of you. Consumers. एंड कंज्यूमर्स के बाद देर इज अनदर कैटेगरी दैट इज डिकम्पोजर्स दैट इज वॉट डिकम्पोजर्स सो नाइस ऑफ यू डी कंपोजर्स ओके जी ओके जी समझ आ गया अब ये जो प्रोड्यूसर्स है इसमें बेटा क्या आएंगे यस सर आल प्लांट्स आएंगे आल प्लांट्स आएंगे यही तो प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोड्यूसर्स आर द

राइट माय डियर तो यहां पे देखो कंज्यूमर तो दियर आर अगेन प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएगा दैट इज क्वटेरियन टेरिशरी कंज्यूमर टेरिशरी कंज्यूमर को जो खाएगा दैट है ना जब आगे हम पढ़ेंगे फूड चेन फिर चेन ऑफ फूड चेन ऑफ फूड चेन इज दैट इज फूड वेब ये हमें सारी चीजें पढ़नी है बेटा इसलिए इसमें ना एक दो दो तीन लेक्चर्स लगने वाले हैं खाली इकोसिस्टम में ठीक है तो आप ये समझेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे तो ये जो कंज्यूमर्स है ये तो या तो प्राइमरी हो गए प्राइमरी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं या ये होंगे सेकेंडरी सेकेंडरी को डिफाइन इस तरह करते हैं या ये होंगे टेरिशरी या तो क्वाट्री होंगे यानी वो तो प्राइमरी ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम सेकेंडरी कंज्यूमर करेगा सेकेंडरी टेरिशरी टेरिशरी क्वार्टरी तो कंज्यूमर्स है इट मे बी ओमनिवर्स इट मे बी हर्बिवर्स इट मे बी ओमनि ओके तो ये आपको समझ आ गया कॉर्निवर ओमनिवर हर्बर ये आपको मैंने ऑलरेडी बोला है इसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स डिकम्पोजर्स में आपका आता है फंज वेरी गुड आपका आता है फंजें आपका आता है बेटा बैक्टीरिया, वेरी गुड बैक्टीरिया तो देखो जब प्लांट डाई होगा जब एनिमल भी मर जाएगा तो इनको जमीन में जाना है जमीन में क्या प्रेजेंट है बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया उनको खा जाएंगे आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ठीक है ना बेटा तो डिकम्पोजर्स तो अब आपने क्या याद रखा सर जो बायोटिक कंपोनेंट है सर इसमें हम लिविंग कंपोनेंट रखते हैं इसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर मैक्रो ऑर्गेनिज्म तक आई बात समझ में बेटा लेकिन 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 मैंने अभी कहा कि प्रोड्यूसर जो है वो अपना खुराक बनाते हैं वो खुराक बनाते हैं सनलाइट से वो खुराक बनाते हैं हाइड्रोजो वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड से प्लस सनलाइट ये जो सनलाइट है कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर है इन्होंने तो इंट्रैक्ट किया ना इकोसिस्टम क्या है इको सिस्टम बेसिकली इट इज द इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म के दोनों कंपोनेट से चाहे वो लिविंग कंपोनेट है या नॉन लिविंग कम्पोनेट है अब यहां पर कौन सा कम्पोनट है कंपोनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इसमें क्या क्या आएगा सर ये तो सिंपल है इसमें आएगा बेटा एयर इसमें आएगा वाटर आएगा कि नहीं आएगा बेटा एयर आएगा वाटर आएगा सॉइल मिनरल राइट सॉइल मिनरल्स सनलाइट टेम्परेचर है ना है ना तो ये सारी चीजें किसमें आएंगे न्यूट्रिय एटसेट्रा सारी चीजें जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे क्या वाटर लिविंग कंपोनेंट है नो सर वाटर इज नॉट लिविंग कंपोनेंट तो वाटर एयर सॉइल मिनरल अब आप देखो ऑर्गेनिज्म को देखो भाई इसका जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है एनवायरमेंट में क्या क्या है सर एनवायरमेंट इसके अगर मैं इंसान की बात करूंगा प्लांट्स भी है एनिमल्स भी है हवा भी है पानी भी है सॉइल भी है न्यूट्रिएंट भी है तो क्या ये एक इंसान ये सारी चीजों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है एग्जैक्टली exactly, सर कर रहा है तो इसी इंटरेक्शन को जब हम समझते हैं हाउ मैन हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवाइ दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम एंड द दिटडी ऑफ इकोसिस्टम इज इज कार्ड इकोलॉजी आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा सर इकोसिस्टम का मतलब क्या है इकोसिस्टम की टर्म किसने दी है इकोलॉजी का मतलब क्या है एंड डिफरेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या है उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक भले ही ये छोटा ही टॉपिक था ड्यूरेशन कम थी लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया इसके बाद में थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पे आपको ले चलता हूं इसमें हमने बहुत सारे इकोसिस्टम के टाइप्स आपको बताने हैं फंक्शन आपको बताने हैं, फूड चेन बताना है फूड वेब बताना है, वो सारी उम्मीद करता हूं हाँ बेटा, अगर आप मेरा पेड बैच जो है ना ज्वाइन करना चाहते हो अभी हमने एक यूनिट भी कंप्लीट नहीं किया है तो पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा नंबर है सेवन सेवन एट जीरो एट वन सेवन थ्री जीरो टू इस पर आप डायल करो इस पर आप टेक्स्ट करो एंड आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा अपनी एप्लीकेशन की ठीक है बेटा वंस अगेन थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑल इज लर्निंग और हाँ बेटा कमेंट करना ना भूलेगा कमेंट जरूर करो कि लेक्चर कैसा लग रहा है ठीक है और सारे लेक्चर्स अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हो मैंने अलग से प्ले बना के रखा है साइंस सुपरवाइजर यू क्लिक ऑन दैट एंड यू विल गेट ईच एंड एवरी टॉपिक जितने भी टॉपिक्स मैंने साइंस को लेकर पढ़ा है ठीक है और वन साइ कंप्लीट यूर साइंस पोर्शन बेटा आई विल डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस आप बेफिक्र रहो जब तक हम हैं आपको गम लेने की जरूरत नहीं है ओके वंस अगेन थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑल इज लर्निंग